रामपुर यूपी सनसनीखेज हत्या का खुलासा आखिरकार रामपुर पुलिस ने कर ही दिया। युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह हत्या नशे की लत को लेकर की गई है और इस वारदात को दोस्तों ने ही अंजाम दिया है, जिसका खुलासा रामपुर पुलिस ने कर दिया है। जी हां, रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में वोटिंग से एक दिन पहले 22 वर्षीय युवक का शव चादर में लिपटा हुआ मिला था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में मृतक की शिनाख्त गंज थाना क्षेत्र के तीतर वाली पाखंड निवासी नदीम के रूप में की गई थी। पुलिस ने घटना को लेकर सतर्कता दिखाई और खुलासे के लिए सुराग कशिश शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी और घटना को अंजाम देने वाले तीन कातिलों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक मृतक नदीम नशे का आदी था और उसके साथ विक्की, फहीम और रिजवान भी नशा किया करते थे। किसी बात को लेकर नदीम की इन तीनों से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि तीनों आरोपियों ने नशे की बात खुलने के डर से उसे ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। थानागंज में अभी बीते 19 अक्टूबर को एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर गई। प्रथम दृष्टया शव देखने से लग रहा था कि इसके साथ असाल्ट हुआ है, जिससे इसकी मौत हुई है। पुलिस ने बना अज्ञात अभियोग दर्ज किया। उसी दिन शाम तक इस व्यक्ति की शिनाख्त थानागंज क्षेत्र के ही नदीम पुत्र बब्बू खां के रूप में हो गई। विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि चार लोग और ये मृतक, इन पांचों को किसी ने 18 तारीख की शाम को एक साथ देखा था। फिर ये लोग रात में, इनमें से दो लोग एक तीसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे, ऐसी स्थिति में जिससे लोगों को संदेह हुआ कि ये व्यक्ति कैसा है, मृत है या बीमार है। उसी आधार पर पुलिस लास्ट सीन के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही थी, जिसके आधार पर चार नाम प्रकाश में आए। उनमें से तीन लोग आज एक अभियुक्त के घर में साथ साथ बैठे थे, जहां से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। विक्की के घर में विक्की स्वयं था, फहीम उर्फ फम्मू थे और रिजवान उर्फ मामू, इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। ये मूलतः सभी नशा लेने के आदी थे और उसी में इनका कुछ विवाद हुआ, जिससे इन्हें ये डाउट हुआ कि नदीम पुलिस को सूचना दे करके हमें पकड़वा सकता है और जो हम नशा करते हैं उसके साथ पकड़े जाएंगे तो जेल जाना पड़ सकता है। साथ साथ बैठ के नशा किया, जब वो ज़्यादा नशे में हो गया, लेट गया, तो उसके ऊपर इन्होंने चादर डाल दी और ईंट से उसके सर पे वार कर दिया। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? मैं गुरु नानक लाइफ मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चौकी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700,
9468227722, 70275510000, 905011009. JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.